गाइस फाइनली हम लोग अभी बैठे हुए हैं राजा सर के फ्लैट में। तो थोड़ा सा अभी आप लोग देखे होंगे उनके वीडियोस अपलोड किए थे उमरा के बारे में, तो वही बात चल रहा था। तो थोड़ा सा मैं वीडियो में आप लोग के लिए भी डिटेल दे देता हूँ। तो आप लोग कोई उमरा आना चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईजिली सारा कुछ हो जाएगा। तो राजन सर से ही पूछेंगे तो क्या कैसा प्रोसेस है, उनसे ही आप लोग को दिखाता हूँ। जो भी क्वेरी वगैरह होएगा तो आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए सर, आप बता दिए थोड़ा सा, आप जो उमरा का करे थे क्या कैसा प्रोसेस है? देखिए, उमरा वीज़ा जो होता है वो ई वीज़ा होता है, राइट? ई वीज़ा मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसमें पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जिसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो एम्बेसी बोलता है कि मुझे पासपोर्ट दो, मैं वेरीफाई करूँ, सबका नहीं रहा। ओके, ये ई वीज़ा हो गया। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, 90 डेज इसका वैलिडिटी रहता है, 90 डेज इसका स्टे पीरियड रहता है। ओके, ये हो गया ई वीज़ा हो गया। वैलिडिटी कितना होता है, स्टे पीरियड कितना रहता है, इसको अप्लाई करने के लिए, जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ, आपके भाई साहब भी अप्लाई करेंगे, तो पासपोर्ट का क्लियर कॉपी जो जिसमें पिक्चर रहता है वो वाला पेज क्लियर होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, वो वाला पेज और फोटोग्राफ्स, एक फोटोग्राफ्स, कोशिश यही कीजिए कि बैकग्राउंड वाइट हो। अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं भी होंगे तो जो जिससे आप अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा मेहनत उसको भी करने दीजिए एडिट वगैरह करके। तो ये दोनों जब आप देंगे उनको, वो आपके बिहाफ पे अपलोड कर देगा और विद इन 24 आवर्स वीज़ा, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे ईमेल में आ जाते हैं, एप्लीकेंट बोलता है कि मेरा ईमेल में आना चाहिए तो उनका ईमेल आईडी दे देता हूँ, 24 आवर्स में आ जाता है। मान लीजिए 24 आवर्स, कई बार आज अप्लाई करें तो कल तो संडे है तो मंडे में आता है, वीक डेज में 24 आवर्स में आता है। और इसका जो फीस रहता है वो रेंज करता है, जो मैं फीस लेता हूँ लोगों से वो बहुत नॉमिनल लेता हूँ, ज़्यादा अपने में नहीं रखता हूँ। वीज़ा का फीस उतना ही है, महंगा और सस्ता नहीं होता है वो, लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं वो अपना ज़्यादा मार्जिन रहते हैं तो वो महंगा हो जाता है। तो जो मैं अप्लाई करता हूँ वो 12,500 रुपये से लेके 12,900 रुपये तक होता है। ये रेंज किस लिए है, इसीलिए है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट से डिपेंड करता है, कितना किसका क्या लेवल ऑफ अर्जेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे 1 घंटा में वीज़ा चाहिए, सम टाइम इट इज़ पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, ये भी किया जा सकता है। और मैंने शुरुआत में बताया था कि क्लियर क्यों होना चाहिए आपका, वो जो नुसुक का वेबसाइट है वो बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। सही, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका पासपोर्ट से ही कुछ डेटा कैप्चर करता है ना। अगर आप उसमें थोड़ा भी टेंपर करेंगे तो वहाँ आ जाएगा इनवैलिड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो बाकी डिटेल्स भी वो करेक्ट कैप्चर करेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। टाइप नहीं करना पड़ेगा तो गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा तो फिर परेशानी नहीं होगा, है ना। ओके, ये 90 डेज का वीज़ा हो गया। इसके बाद मान लीजिए आप एक बार आ गए, यहाँ पे एंट्री कर लिए, कोई सा भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। ओके, कोई सा भी एयरपोर्ट में आइए, कहीं पे भी घूमिए, किसी के पास भी रुकिए। आपको सऊदी आते समय उमरा वीज़ा बस दोनों साइड का टिकट लेना है, जाने का भी, इंडिया से यहाँ आने का भी और इंडिया से सऊदी से इंडिया जाने का, वापस जाने का रिटर्न टिकट। और जो उमरा का वीज़ा होगा उसका प्रिंट आउट, इंश्योरेंस भी मिलेगा उमरा वीज़ा के साथ, उसका प्रिंट आउट और अपना पासपोर्ट का कॉपी। ये चार डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। होटल बुकिंग्स मैंडेटरी नहीं है। कई लोगों का रिटर्न जो डेट होता है वो कन्फर्म नहीं रहता है, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई 1 महीना भी रुक लेंगे, 1.5 महीना भी रुक लेंगे तो उनका रिटर्न टिकट बुक नहीं करता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक टिकट होता है दूसरा तरीका का, वो भी बुक करते हैं। वो भी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं आपको, लेकिन वो कन्फर्म PNR के साथ होता है, डिपार्चर से 1 दिन पहले देता है। मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन उमरा वीज़ा के बारे में काफ़ी है ना, काफ़ी है। आप लोगों के कुछ सवाल है इसमें तो बताइए, आप लोग एक व्यूअर है, कुछ पूछना चाह रहे हैं वीज़ा के बारे में, उमरा के कुछ सवाल है। लेकिन वो जिसमें वो जैसे वीजा अप्लाई करने के बाद कितना दिन में हो जाता है? अच्छा, सर ने बताया ना, तो मतलब 1 दिन में हो जाता है, 24 आवर में निकल सकते, 24 आवर्स मान के चलिए। लेकिन उसमें पेशेंस रखना जरूरी है कि अगर आपने अप्लाई किया तो भाई छोड़ दीजिए उसको, कि जब आएगा आएगा। और दूसरा बात, उसमें जैसे कि मान के चलिए आज अप्लाई किए, 1 दिन में हो गया, ठीक है, तो आप पैसा पहले पेमेंट करना पड़ता है कि बाद में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो आप। मतलब देखिए, जो पेमेंट होता है ना मुफा को, वो 100% पे करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, आप नहीं चाहेंगे कि अपना पैसा आप मुफा को पे करें और कल को दूसरा आदमी जो अप्लाई करा बोल दे कि मेरे माता जी का तबीयत खराब हो गया, उनको वीज़ा नहीं चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? तब
अब नहीं चाहिए तो एब्सोल्युटली नहीं जा सकते। नहीं वीजा मतलब तो मैंने पैसे पे कर दिया, निकल गया ना कि मुझे वीजा नहीं चाहिए। तो वीजा नहीं चाहिए तो उसका कोई सिस्टम है, रिफंड होगा कि कुछ ही नहीं रिफंड का? जो एक बार गया सो गया, गया गया, इसीलिए 100% पेमेंट विद डॉक्यूमेंट। फैसल भाई कुछ पूछोगे? नहीं मैं कई बार सोचता हूँ ना कि जब मैं कोई कंटेंट बनाऊँ ना तो व्यूअर्स भी साथ हो ताकि सवाल जवाब होता रहे, तो उससे क्या होगा। अभी और भी एक चीज़ है सर, से हम एक वीडियो में मैंने देखा सर का बताए थे, जैसे अभी फैमिली वीजा में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो अभी नया सिस्टम आया फिंगर लगाना पड़ता है, बायोमेट्रिक होकर बायोमेट्रिक करना पड़ता है, तो अगर कोई बंदा फैमिली लेकर आना चाहता है तो इसमें इस तरह से भी लेके आ सकता है, 3 महीने का वीजा रहता है। अब ऐसे नॉर्मल अभी जैसे विजिट वीजा में 3 महीना लेके आकर फैमिली रख सकते थे, तो इसमें भी रख के आप लोग पूरा वीजा निकाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपका जो सवाल है मुझे पूरा समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे। देखिए डिपेंड करता है आपको कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, है ना। अगर आप जाहिर सी बात है कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लियर है कम्प्लीट है तो आप ये चाहेंगे ना कि एक बार आ गया यहाँ से ही मैं बहरेन या फिर जॉर्डन जाके एक्सटेंड करवा लूंगा, फ्लाइट एलिजिबल एंट्री रहेगा तो मेरे साथ कम से कम 1 साल रहेगा। अब ये उमरा वीजा में लोग आके अपने परिवार को क्यों रखेंगे उसका भी एक कारण होगा, क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स होते हैं, मान लीजिए जिनका स्पाउस का नाम नहीं लिखा होता है, जिनका कफिल उनका फैमिली विजिट वीजा को चैम्बर नहीं करवाता है, ओके। और कोई लोग सोचते हैं कि चलो 1 महीना के लिए बुलाना है, 2 महीना के लिए बुलाना है, मुझे फैसल नाम है वो, अभी एक उसकी फैमिली को बुलाने के लिए तक हमारी कंपनी तो इजीली कर देती है चैम्बरों का, बट मिस्टेक क्या हो गया उसके पासपोर्ट में जो है नाम नहीं है हस्बैंड का, तो उसके लिए वो 2-3 महीने से घूम रहे, तो बहुत सारे लोग सजेशन दिए उसको जो है 2.5-3 महीना ही रखना था। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को फैमिली बुलाना मेरे को 3 महीना ही रखना है, बहुत लोग बोले बेटर है उम्र में बुला लो ऐसा वीजे में बुला लो 12-14 हज़ार लगते आप फिर रख सकते 2-3 महीना रखना है तो इतना। अभी तो बहुत सारे जगह पे क्या सेंटर नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग हुआ ना बायोमेट्रिक, मतलब केरला में एक जगह पे अभी एक ही सेंटर, केरला में 2 जगह है, 2 जगह में हाँ, तो इस तरह तो प्रॉब्लम्स हो रहे, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, लेट हो रहे, तो इससे पॉसिबल है? हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है, वही मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे चूज करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट कितना दिन रखने का है, क्या 30 डेज ही रखना है तो सबसे बेस्ट है उमरा वीजा लो, अगर आप मुस्लिम हो 30 डेज का उमरा वीजा लो, एक डॉक्यूमेंट भेज दो तुरंत शाम में वीजा लो और नेक्स्ट डे टिकट परचेज करके आ जाओ, ना VFS जाने का टेंशन है ना पासपोर्ट सबमिट करने का टेंशन है वहाँ पर। अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है कि मल्टीपल एंट्री भी हो, यहाँ पे आए 90 दिन रुकने के बाद फिर एक्सटेंड भी हो, तो फिर आपको विजिट वीज़ा के लिए जाना पड़ेगा। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई चलो नेम में गलत है मैं पर्सनल विजिट वीज़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे जो सऊदी में पर्सनल विजिट वीज़ा देते हैं वो कोई भी ले सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन उसका भी एक चैलेंज है, पर्सनल विजिट वीज़ा स्टाम बहुत रेयरली होता है, दिल्ली जो मिशन में कैंसिल ही हो जाता है, वो मुंबई में होता है, ओके। तो यहाँ से इनविटेशन और जो स्पॉन्सर का आईडी हम दे देंगे वहाँ पे VFS का आप चक्कर लगाइए, अगर हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये एक रिस्क है। तो फिर अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि बस 30 दिन ही रुकना है, चुपचाप उमरा वीजा लीजिए, टिकट लीजिए, आ जाइए, कहीं पे भी आइए, मतलब टेंशन फ्री है, घूम फिर के उमरा करके आप भी जा सकते हैं। हाँ बस ये चक्कर लगाने से बेटर होगा, बहुत अच्छा है। किसी को मल्टीपल वीजा लेना है 1 ईयर पे तो फिर आप प्रोसेस पे गए तो सही रहता है। अगर मल्टीपल एंट्री लेना है और अपने आईडी पे लेना है उनका डॉक्यूमेंटेशन सही है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप किसको बुलाते हैं, स्पाउस फैमिली, यू विल कॉल योर वाइफ और मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब लोग आते हैं, आपका वाइफ को बुला रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट में उनका नाम होना पड़ेगा, उनके पासपोर्ट में आपका नाम होना पड़ेगा, दोनों के पासपोर्ट में एक दूसरा के नाम होना पड़ेगा, ओके। अगर नहीं है तो मेरे सर्टिफिकेट कॉन्सुलेट से अटेस्टेड होना पड़ेगा, वो भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे पर्सनल विजिट वीजा लेंगे या तो उमरा वीजा लेंगे, सही है राइट, या तो फिर पासपोर्ट का नाम चलाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए बुला रहे हैं तो फिर आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ेगा, एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाला था, मतलब कम लोगों को समझ में आया शायद, तो उसमें रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ता है VFS में। सो एट दैट टाइम यू हैव एन ऑप्शन कि आइदर आई विल गो थ्रू दैट VFS प्रोसेस और उमरा वीजा ले और आ जाए। थैंक यू सर, आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला वीज़ा के सिले मुरा के। तो गाइज ये वीडियो पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको अलग से डाल दूंगा, जो उमरा का वीज़ा का
डिटेल सर ने बताया, और सर के चैनल में भी जाके पढ़ा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और कोई भी जेन्यून आप लोग को गाइस न्यूज वगैरह चाहिए लेबर लॉ के बारे में, लेबर लॉ के बारे में सर लेबर लॉ से घबरा जा रहे सर, हमें बहुत कमेंट आ रहा है, कोई भी उमरा के सिलसिले में, और कोई भी इनके चैनल में जाके आप लोग आरजे वर्ल्ड विजिट करिए सर का चैनल, और वहाँ आप लोग को सारा डिटेल में मिल जाएगा वीडियोस वगैरह। लेबर लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने वो वाला जो इन्फॉर्मेशन चैप्टर है वो बंद कर दिया है सर, बोले बहुत प्रेशर आ गया बंद कर दिए, क्योंकि अभी एक्चुअली जो सोशल मीडिया में हम लोग को मालूम है कितना टाइम लगता है, कितना वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, और हम लोग एक्चुअली गाइस गल्फ में है, बाहर में, आप लोग को पता है वीडियो में देख रहे होंगे, तो जॉब करके आके वीडियो वगैरह शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा टफ रहता है, और बाहर का जो लाइफ रहता है, जो आदमी है अक्सर व्यूअर्स एक्चुअली गल्फ वाले ही मिलेंगे चैनल में सब्सक्राइबर वगैरह, तो उनको पता ही है, तो आप लोग जॉब करके आना है, आपको सारा चीज़ डिटेल में करना है। तो चलिए, बाकी उम्मीद करता हूँ सर से आप लोग को जो उमरा का वीज़ा वगैरह का डिटेल अच्छे से मिला ही होगा,